दोस्तों, आज के समय में जो भी काम होता है ऑनलाइन माध्यम से काम होता है। चाहे वो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या अगर कोई भी फॉर्म फिलअप या कोई भी अगर दूसरा काम करते हैं तो उसमें ऑनलाइन का ही काम होता है। उसमें आपको दिन भर में 2 GB 3 GB डाटा या कभी कभी उससे भी ज़्यादा डाटा का आपको ज़रूरत पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि कोई 2 GB या 3 GB वाला प्लान मिल जाए या उससे ज़्यादा वाला प्लान मिल जाए जो कि मैं दिन भर पूरा कर सकूं, और उसका जो वैलिडिटी प्लान रहे वो थोड़ा लंबा रहे क्योंकि मुझे बार बार रिचार्ज करने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़े। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में एयरटेल, जियो और उसके बाद आइडिया यानी कि VI, उससे रिलेटेड मैं तीन सिम है और तीनों सिम से रिलेटेड मैं रिचार्ज बताऊंगा, वो भी 3 GB वाला रिचार्ज। जो आप करवाइएगा तो आपको हर रोज 3 GB डाटा मिलेगा और वो भी जितना जितना दिन का वैलिडिटी रहेगा उतना उतना दिन का मिलेगा। तो एयरटेल में एक प्लान बताऊंगा, VI में दो प्लान बताऊंगा और उसके बाद जियो में मैं एक प्लान बताऊंगा और सभी को मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एयरटेल अगर सिम यूज करते हैं तो उसमें दोस्तों आपको 3 GB प्लान लेने के लिए आपको रिचार्ज यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले 699 वाला रिचार्ज। दोस्तों, अगर आप 699 वाला अगर रिचार्ज करते हैं तो उसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको डाटा का बात करें तो डाटा 3 GB आपको पर डे देखने के लिए मिलेगा। SMS आपको 100 SMS हर रोज देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद इसका अगर वैलिडिटी का बात करें तो वैलिडिटी आपको यहाँ 56 दिन देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे अमेजोन प्राइम जो सब्सक्रिप्शन होता है वो भी आपको यहाँ पे इसके इस रिचार्ज अगर करवाते हैं 699 तो इसके साथ ही मिल जाएगा। यहाँ पे 699 का एयरटेल में बात हो गया। उसके बाद यहाँ पे VI का बात करते हैं। दोस्तों, VI का मैं दो प्लान बताऊंगा। सबसे पहला प्लान है 901 रुपया का और दूसरा जो प्लान है वो है 699 रुपया का। दोस्तों, पहला प्लान का बात करते हैं 901 रुपया वाला में, तो इसमें क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहला जो सबसे पहला है अनलिमिटेड कॉलिंग का, अनलिमिटेड कॉलिंग का सुविधा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे SMS का बात करते हैं तो SMS आपको 100 SMS आपको हर रोज देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद डाटा का बात करें तो डाटा 3 GB आपको हर रोज मिलेगा और वो भी वैलिडिटी आपको इसमें देखा जाए तो वैलिडिटी आपको 70 दिन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आपको जो भी यहाँ पे जो भी मैं बताया हूँ वो सब आपको 70 दिन तक आपके पास रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर ये जो रिचार्ज है अगर आप करवाते हैं जैसे कि 901 रुपया वाला VI में, तो आपको 1 साल का डिजनी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 1 साल का। और उसके बाद यहाँ पे अगर VI का दूसरा प्लान का बात करते हैं तो जो दूसरा प्लान है वो है 699 रुपया का। 699 रुपया का जो प्लान है उसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग जो ऊपर मैं बताया हूँ एयरटेल का, सेम इसमें भी वही चीज़ मिलेगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा अगर 699 का अगर VI में रिचार्ज करवाते हैं तो अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा, 100 SMS मिलेगा। वैलिडिटी का बात करें तो वैलिडिटी 56 दिन मिलेगा और डाटा इसमें 3 GB हर रोज मिलेगा और वो भी जो वैलिडिटी है 56 दिन, तो 56 दिन आपको पूरा चीज़ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जियो का बात करते हैं तो दोस्तों, जियो का जो रिचार्ज है वो है 84 डेज यानी कि 84 दिन का। दोस्तों, आपको 84 दिन का जो रिचार्ज है वो कितना मिलेगा, तो ये है 1199 रुपया का अगर आप रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें आपको 84 दिन का वैलिडिटी मिलेगा, 3 GB आपको हर रोज देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद SMS आपको 100 SMS आपको हर रोज मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग का सुविधा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एयरटेल, जियो और आइडिया यानी कि VI ये तीनों सिम की से रिलेटेड मैं रिचार्ज बताया हूँ जो कि 3 GB वाला रिचार्ज है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो VI का जो रिचार्ज है ठीक ठाक है। आप VI में अगर 901 रुपया का रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें 48 GB एक्स्ट्रा भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप देखें तो VI का ये सब प्लान से अच्छा प्लान है क्योंकि 48 GB इसमें एक्स्ट्रा भी देखने के लिए मिल रहा है और 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है जो कि डिजनी प्लस हॉटस्टार का। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में मैं एयरटेल, VI और जियो से रिलेटेड मैं रिचार्ज बताया हूँ जो कि 3 GB वाला रिचार्ज है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद आप जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा ही अपडेट आपको हर रोज देखने के लिए इस चैनल पे मिलता है। और कभी कभी आपको यहाँ से टेक से रिलेटेड वीडियो जो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो वीडियो मैं देने का कोशिश करता हूँ, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।